नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में एक ऐसे पुल के बारे में जिसके बन जाने के बाद से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों को आवागमन में काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु पुल पर लोड सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में लोगों की इच्छा थी कि जितनी जल्दी हो सके वह दूसरे ज़िलों से होकर उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी की शुरुआत की जा सके। ऐसे में बता दें कि बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण पिछले 11 सालों से चल रहा है, लेकिन इसमें कई तरह की बाधाओं के कारण यह पुल पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन अब एक बार फिर से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। सीएम नीतीश कुमार खुद इस पुल की शुरुआत के समय वहां इस मौजूद थे। बता दें कि गंगा नदी पर बन रहा यह पुल का लगभग 52% हिस्सा जो है बनकर तैयार हो चुका है, बाकी बचे हिस्से पर कार्य की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इस पुल के साथ साथ अप्रोच रोड के अलाइनमेंट में 4 छोटे छोटे पुल का निर्माण होना है। इसके साथ साथ इसमें 2 रेल ओवरब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर यह भी बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट बिहार का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। इस पुल के निर्माण के लिए 2875 करोड़ रुपये की राशि निर्गत किया गया है। इस पुल को बनने वाली ROB में 2 ROB पटना जिले के होंगे। इस पुल के निर्माण में जारी खर्च को अगर हम देखें तो इसमें 1187 करोड़ रुपये का खर्च होना बाकी है, जिसमें से कि बिहार सरकार अकेले 935 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बख्तियारपुर से समस्तीपुर जिले के ताजपुर तक पुल बन जाने के बाद से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बख्तियारपुर से समस्तीपुर के ताजपुर तक बन रहे इस पुल पर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों के लिए यह लाइफ लाइन के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि इस पुल के बन जाने के बाद से नवादा, नालंदा, बाढ़, भागलपुर और झारखंड की ओर जाने के लिए आपको अब पटना जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यह उत्तर बिहार के लिए बताया गया है। साथ ही सीधे उत्तर बिहार के जिलों से आसानी से आप झारखंड पहुंच सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, रक्सौल या फिर नेपाल से आप नालंदा, नवादा या फिर झारखंड जाना चाहते हैं तो आपको यह रूट काफ़ी किफ़ायती होने वाला है। इस रूट से आने के लिए आपको राजधानी पटना नहीं जाना होगा और आप महात्मा गांधी पर लगने वाले जाम से भी बच सकते हैं। हालांकि गांधी सेतु का भी दूसरा लेन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इस पुल के निर्माण को लेकर अधिकारियों को दिए गए निर्देश में यह कहा गया है कि पूर्व वैशाली, ताजपुर, करजान पथ पर हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है। इधर सीएम नीतीश कुमार बिहार राज्य पथ निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन देकर बख्तियारपुर ताजपुर ग्रीनफील्ड गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट की जानकारी दी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की लंबाई 51.127 किलोमीटर है, जिसमें कि पुल की लंबाई 5.517 किलोमीटर है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अप्रोच रोड की लंबाई 45.612 किलोमीटर होने वाली है। इस पुल की दूसरी बार शुरुआत के समय बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस पुल की कनेक्टिविटी क्या हम वैशाली से कर सकते हैं। ऐसे में अब अधिकारी इस बात पर ध्यान देंगे कि महात्मा गांधी सेतु पुल पर जिस तरह से ट्रैफिक का दबाव है उसे कैसे हम कम कर सकते हैं। इधर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि बख्तियारपुर से समस्तीपुर बन रहे इस पुल से नवादा, नालंदा, बाढ़, भागलपुर एवं झारखंड के उत्तर बिहार आने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलने वाला है। तो एक तरह से कहने की उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी जो है अब आसान होने वाली है, क्योंकि बख्तियारपुर और ताजपुर जो है इसे पुल के बन जाने के बाद से लोगों को अब राजधानी पटना और गांधी सेतु पुल जो है वो क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। आप जो है लोग समस्तीपुर के रास्ते से जो है आसानी से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।